हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमाइंस। तो जब अमाइंस की रिएक्शन होती है, फिर अमोनिया मान लो या फिर RNH2 अमाइन ले लो बेटा, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है तो उसको अमोनोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इस तरीके से ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप निकलता है हैलाइड आयन के फॉर्म में। तो हैलाइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो आपको पता है कि आई नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर बी आर नेगेटिव, फिर सी एन नेगेटिव, फिर एफ नेगेटिव। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आर आई की, फिर आर बी आर की, आर सी एल की और आर एफ की। ऐसा होता क्यों है, हालांकि आर एफ तो ऐसे मालूम रिएक्शन देता ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो जितना बड़ा साइज होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना जल्दी एक्वायर कर पाएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा ये हमारा अनायन स्टेबल होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।